नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के शुमार में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमार के अहम मौजूदात पर। जीरो ब्रिज की तर्ज पर कदीम तारीखी हबा कदल पुल की तजदीद व मरम्मत। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने मुनफरद अंदाज में आलमी यौम फरन दिन मनाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत अनंतनाग में तकरीब। राजौरी में प्लास्टिक से पाक माहौल को फरोग देने के लिए सरकारी इकदाम। कुपवाड़ा में नौजवानों के लिए स्मार्टफोन फिल्म साजी कोर्स का एहतमाम। शहर खास में सकाफती विरसे के तहफ्फुज को यकीनी बनाने और सियाहती सरगर्मियों को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने के मकसद के तहत तारीखी हबा कदल पुल की अज़र नौ तजदीद व मरम्मत की जा रही है। पुल पर जीरो ब्रिज की तर्ज पर तजदीद कारी की जा रही है। हुकाम का कहना है कि श्रीनगर के शहर खास में दरियाए जहलम पर वाका हबा कदल पुल अनकरीब ही सियाहत और दूसरी सरगर्मियों का दोबारा मरकज बन जाएगा। श्रीनगर के शहरी मंजरनामे के लिए एक अहम पेशरफ्त में श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 1.8 करोड़ रुपए की लागत से तारीखी हब्बा कदल पुल को अज़र नौ बनाने के लिए एक तब्दीली के मंसूबे की अमल आवरी में मसरूफ अमल है। हब्बा कदल पुल शहर के विरसे का एक काबिल कदर हिस्सा है। ये पुल काफी अरसे काबिल इस्तेमाल नहीं था और बुनियादी तौर पर कार पार्किंग में तब्दील हो गया था, जिसकी वजह से इसकी अहमियत और इफादियत मुतासिर हो रही थी। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हबा कदल जो है, जिसे हम पुराना हबा कदल कह सकते हैं, वो यहाँ की एक बहुत बड़ी यादगार है। लोगों की यादें उससे वाबस्ता है। खुसूस हम कह सकते हैं कि पंडित जो वहाँ पे रहा करते थे, उनकी यादगार बनी हुई है वो हबा कदल। तो उसे सरकार ने चाहा कि इसे ना उठाया जाए और क्यों ना इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। और हमने जब मैंने खुद वहाँ पे मुशाहिदा किया तो बड़ा ही दिलकश नज़ारा दिखता है वहाँ पे। और कुछ यादें, जैसा कि हमने कहा कि कुछ पुराने मकान हैं वहाँ पर, जब इंसान वहाँ पर जाता है तो पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती है। इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि इस तरह की जो हमारी सकाफत है उसे बराबर उसे बहाल रखना सरकार समझती है कि इसे बहाल ही रखा जाए। शहर श्रीनगर को आज पुलों का शहर भी कहा जाता है। कदीम जमाने में नकल हमल और इलाका जात को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए शहर में दरियाए जहलिम पर 8 पुल तामीर किए गए थे, जिनमें हब्बा कदल पुल भी एक है। इस पुल की अपनी एक तारीखी अहमियत है, क्योंकि ये पुल भी दीगर पुलों की तरह लकड़ी से तामीर किया गया था। ताहम तहफ्फुज़ी इकदामात न उठाने की वजह से ये पुल भी खस्ता हाली का शिकार हुआ। अब स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत इस पुल को जीरो ब्रिज की तर्ज पर तरक्की दी जा रही है, ताकि ये पुल भी सियाहती और दीगर तफरीही सरगर्मियों का मरकज बन सके। श्रीनगर को 7 पुलों का शहर कहा जाता था, क्योंकि अब ये खस्ता हो चुके हैं, लकड़ी के हो गए। अब नए पुल्स भी बन रहे हैं स्मार्ट सिटी की वजह से, और पुराने भी कुछ बन गए हैं। जरूरत इस बात की है कि इनको डिसमेंटल ना किया जाए, इन्हें प्रिजर्व किया जाए, इन्हें तहफ़ फराम किया जाए, इन्हें टूरिस्ट हब बनाया जाए। शहर में पहले से ही टूरिस्ट आ रहे हैं, उन्हें दिखाया जाए कि हमारी कदीम विरासत क्या है, हमारा असासा क्या है, हम कहाँ रहते थे, किस तरह से हमारी डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन साथ में ये भी कहना जरूरी समझूंगा कि इनको प्रॉपरली केयर किया जाए, ये ना हो जाए कि इन पर फिर मतलब ऐसे चीज़ें भी होती है कि जो मतलब टूरिस्टों के लिए, आम लोगों के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि हमारा जीरो ब्रिज बना था, वहाँ पे फिर बड़े अच्छे टूरिस्ट भी आ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा अरसा भी आया कि वहाँ से चलना भी मुहाल हुआ था। इसका भी ख्याल सरकार को रखना चाहिए, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ, उन्हें इनकी देख रेख करनी चाहिए, इन्हें बाजार तौर पर इनका इंस्पेक्शन करना चाहिए कि वहाँ पर ऐसे कार्रवाइयाँ ना हो, ऐसे अवामिल ना हो कि आम लोग वहाँ से दूर हो जाए। हुकाम का कहना है कि श्रीनगर के शहर खास में दरियाई जहलिम पर वाका हब्बा कदल पुल तारीखी लिहाज से काफी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि ये पुल नई शक्ल सूरत के साथ तकमील के आखिरी मरहले में है और आने वाले कुछ दिनों में
लोगों की मेजबानी के लिए तैयार होगा, जबकि अनकरीब ये पुल सियाहत और दूसरी सरगर्मियों का दोबारा मरकज बन जाएगा। हबकतल जो एरिया है, उस एरिया में अगर आप देखेंगे मैप में तो बहुत ही कम ओपन स्पेस है उस पूरे एरिया में। प्लस हबकतल एक बहुत ही पुराना हमारा हेरिटेज ब्रिज है, जो लकड़ी का ब्रिज था आज तक, और उसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे बड़ा ही खूबसूरत ब्रिज है जो पुराने ज़मानों से चला आ रहा है अभी तक। तो हबकतल पूरे एरिया के लिए मतलब हमारे विजन में था कि हम उस एरिया को भी कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें जो लोगों को बड़ी पसंद आए, वहाँ पर लोग टाइम बिताएँ अपना। तो हबकतल ओल्ड ब्रिज इज़ अ वेरी गुड एरिया जहाँ पे हम पूरे ब्रिज को रिवाइटलाइज कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको खूबसूरत और बना सकते हैं और उसको एक टूरिस्ट प्लेस भी बना सकते हैं। हबकतल पुल शहर के इस सकाफती मरकज में सियाहत और दूसरी सरगर्मियों को वापस लाएगा। डाउनटाउन की शहरी तजदीद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तामीरी काम का इंतहाई अहम शोभा है। जम्मू कश्मीर के सरमाए दारुल हुकूमत जम्मू में कश्मीरी पंडित बरादरी ने मुनफरद अंदाज में बैन अक्वामी युम फिरन दिन मनाया। इस सिलसिले में फनकारों ने जम्मू के सकाफती मरकज में थिएटर, ड्रामे, रक्स और लोक मौसीकी के जरिए अपनी सकाफत का मुजाहरा किया। तकरीब के शुरका और पंडित बरादरी से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने इस दिन को मनाने के हवाले से किन तासुरात का इजहार किया, आइए जानते हैं। वमीद एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो जम्मू कश्मीर में फन और सकाफत के मैदान में काम करती है। इस तंजीम ने जम्मू के अभिनव थिएटर में बैनुल अक्वामी योम फेरन के सिलसिले में एक अजीम उशान तकरीब का एहतमाम किया। ये तकरीब जिलावतनी में रहने वाली कश्मीरी पंडित बिरादरी के हौसले को बुलंद करने की भी पहली कोशिश है, जबकि इस तकरीब के जरिए नौजवानों को अपनी मादरे वतन की रवायात, सकाफत और जुबान की पैरवी करने की तरगीब देने की भी कोशिश की गई। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन जब मैंने सुना कि आज फेरन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं खासकर वोमीद, तो मैंने जल्दी से अपना फेरन ले लिया और अपने पूरे ट्रेडिशनल जो हमारा अटायर है उसमें आ गई। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं चाहती हूँ ये जो हमने आज ट्रेडिशनल ये ड्रेस पहनी है, हमारी आगे की न्यू जनरेशन वो भी इसे बरकरार रखे। जितनी खुशी मुझे है, मुझे लग रहा है कि उनको भी उतनी ही खुशी होगी ये ड्रेस पहनने की। आलमी यौम फेरन के सिलसिले में जम्मू में मुनक़िद तकरीब के दौरान अभिनव थिएटर में थिएटर, ड्रामे, रक्स और लोक मौसीकी के जरिए फेरन की सकाफती अहमियत व इफादियत को उजागर किया गया। इस मौके पर कई किताबों की भी रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में शिरकत करने वाली एक खातून भारती कौल ने अपना तजुर्बा शेयर करते हुए कहा, सकाफती प्रोग्राम वन 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 रो और रवायती कश्मीरी पंडित के लिबास के पहले फेरन जीब तन करके रैंप वॉक ने दिल चुराया। फेरन तो हमारा पहनावा है, पर इस पहनावे को हम अपने कश्मीर से बाहर पहन नहीं पाते हैं। हम लोग अपने ट्रेडिशंस जब हमारे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं उसमें हमने स्टार्ट कर दिया है कि हम लोग सब फेरन ही पहने और फिर अपनी जितनी भी हमारी सेलिब्रेशंस हैं उन्हें सेलिब्रेट करें। अब यहाँ पर जम्मू में आज आप देख रहे हो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर एक स्टेज के लोग हैं जो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको डिस्प्ले पे हमने जो की है उन्हें आज वो रैंप वॉक भी करेंगे, तो जो उन्हें देखेंगे उन्हें देखकर दूसरे इंस्पायर होंगे। ये इंस्पिरेशन ये पहुंचाने तक, यूथ तक पहुंचाने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि चाहे आप कहीं पे भी हो, जहाँ कहीं हो, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी पोशाक को हमेशा हमेशा के लिए जो कि है अपने साथ साथ चलाएं। जाओ,
इस तकरीब का बुनियादी मकसद कश्मीरी सकाफत को पेश करना और याद दिलाना था कि जम्मू कश्मीर की सकाफत इंतहाई मुनफरिद और बकाए बाहमी की अलामत है। आज की तकरीब के जरिए नौजवानों को कश्मीरी सकाफत, लिबास, लोक दास्तानों और रवायती मौसीकी के बारे में आगाह करना था। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि थिएटर ड्रामे ने पहले और अब के कश्मीर की अक्कासी की। इंटरनेशनल फेरन डे जो है ये हम इसलिए ऑर्गेनाइज किया क्योंकि आज हमने अपने कल्चर को लेके कश्मीरी पंडित ट्रेडिशन जो है, जैसे आपने देखा मैंने फेरन पहना है जो, लेकिन एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे बच्चों ने, बुजुर्गों ने स्टेज पे डिस्प्ले किया अपना एक ट्रेडिशनल रैंप वॉक किया जिसमें वो फेरन को दिखाया गया, तर्क फेरन को दिखाया गया, हमारे कल्चर वीक वर्सन को दिखाया गया कि कैसे हमारे वो सब ट्रेडिशन होते हैं। मेन पर्पज़ हमारा ये था आज करने का, और साथ साथ में आज के दिन ही रंजना रैना जी की एक बुक है जो कश्मीर पे है वो हमने रिलीज़ की है। कश्मीरी फेरन ने असर हाजिर में जम्मू कश्मीर के हदूद को फलांग दिया है। फेरन अब आलमी बाजारों और आलमी रहनुमाओं व शख्सियात के पहनावे की जीनत बन चुका है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब के दौरान सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का बुनियादी मकसद अवामी बेदारी पैदा करना है और फलाह व बहबूद से मुतालिक स्कीमों के फवायद को हर एक शहरी तक पहुँचाना है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब के दौरान सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। आम लोगों ने बताया कि इससे उन्हें काफी फायदा पहुंचा है। मुनक्किदा इस प्रोग्राम के दौरान एक रंगारंग तकरीब का भी इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को महसूस किया। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों ने स्टॉल भी लगाए थे। जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से तमाम मुलाजमीन बिल्कुल हमारे घर तक पहुंचते हैं और हमें मौका फराहम करते हैं कि आपको किस चीज़ की कमी है, आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है और हम सॉल्व करके देंगे। और आज मैं ये कहूंगा कि वाकई तौर आज ये डिजिटल इंडिया और डिजिटल जम्मू कश्मीर बन गया है और बिल्कुल हमें घर तक ये मुलाजिम पहुँच जाते हैं और उन स्कीमों के बारे में हमें जानकारी देते हैं जिन स्कीमों के बारे में हम बिल्कुल बेखबर थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का बुनियादी मकसद सफाई सुथराई, इक्तसादी खिदमात, बिजली, मकानात के बारे में बेदारी पैदा करना और फलाह व बहबूद से मुतालिक स्कीमों के फवायद को हर एक शहरी तक पहुंचाना है। इसी जिम्न में जारी प्रोग्राम्स के तहत जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने दीगर अफसरान की मौजूदगी में अनंतनाग में एक तकरीब की सदारत की। मुल्क भर में मुनक्किद की जाने वाली इस यात्रा का मकसद IEC की सरगर्मियों के अलावा कम्युनिटी वेलफेयर को बाख्तियार बनाने की कोशिशों को तेज करना है। जिन लोगों को, बेचारों को, मतलब आप समझ सकते हैं कि जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम्स है या जिनको अनदर कोई प्रॉब्लम है, जिन तक ये स्कीमें नहीं पहुंचती है उन तक ये स्कीमें बड़ी आसानी से पहुंच रही हैं। लोग बहुत खुश हैं। आप देख रहे हैं कि पब्लिक यहाँ आ रही है, जो ये गैस उज्ज्वल स्कीम है या मेडिसिन स्कीम्स है या जितनी भी यहाँ पे स्कीम्स, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है और हर एक इंसान तक ये स्कीम पहुँचाई जा रही है। मेरे ख्याल से जो ये मोदी जी ने स्टेप उठाया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ये स्टेप उठाया है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। हर किसी की मजबूरी, हर किसी की मुसीबत, हर किसी को समझा जा रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने मुनक्किदा प्रोग्राम के बारे में बताया कि 335 पंचायतों में 184 पंचायतों में इस तरह की तकरीबात को मुनक्किद किया गया। उन्होंने तालीम, टेक्नोलॉजी और इक्तसादी तरक्की, समाजी हम आहंगी समेत तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी रोशनी डाली, जबकि ये तकरीब तरक्की पसंद भारत की अक्कासी करती है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसका इनॉग्रेशन किया, उसके साथ ही
देश के बाकी अजला की तरह जिला अनंतनाग में भी ये स्टार्ट हुआ और अभी तक 335 पंचायत में से हमने 184 को कवर किया है अभी तक आज तक। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अनंतनाग की आवाम माननीय प्रधानमंत्री सर के विजन के साथ कि हम अपने देश को कैसे विकसित बनाए और उसके लिए जो संकल्प ले रहे हैं उसके साथ बड़ी खासी मात्रा में पूरी जनता जुड़ रही है और मुझे लग रहा है कि हमारा हर जो भी पर डे हर दिन 16 होते हैं 16 पंचायत कवर होती है और हर पंचायत में एक उत्सव का माहौल होता है, लोग बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। जिला इंतजामिया अनंतनाग पायदार तरक्की के हुसूल और जिले के मजमुई समाजी व इक्तिसादी ताने बाने को बुलंद करने के लिए लोगों के साथ हाथ मिलाकर काम करने के लिए पुरअज़म है। सरकारी महकमों के सरबराहान को हिदायत दी गई कि वो मरकजी और यूटी दोनों की स्पॉन्सरशुदा समाजी इक्तिसादी और फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करें। याद रहे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा भी आवाम तक भारत सरकार की रसाई की अब तक की सबसे बड़ी पहल है। माहौलियाती इस्तेकाम की तरफ कदम उठाते हुए जम्मू व कश्मीर की इंतजामिया ने सरहदी जिला राजौरी में प्लास्टिक से पाक माहौल को फरोग देने के लिए मुनफरद इकदाम किए हैं। इस अमल में हर ब्लॉक में जदीद बेलिंग मशीनों की तंसीब शामिल है जिससे पूरे खिते में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स में इनकलाब बरपा हो रहा है। मजीद जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। स्वच्छ भारत मिशन के एक हिस्से के तौर पर राजौरी का भतोनी गांव जम्मू और कश्मीर का पहला गांव बन गया है जिसने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में बैलिंग मशीन नस्ब की है जो प्लास्टिक से पाक माहौल पैदा करने की तरफ एक अहम कदम है। बैलिंग मशीन को एक माह से ज्यादा अरसे कबल नस्ब किया गया था। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अहलकार घर घर जाकर फुजला जमा करते हैं, कचरे को अलहदा अलहदा किया जाता है और प्लास्टिक को मशीन के जरिए जाया किया जाता है। हमारे एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में गवर्नमेंट ने काफी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये जो मशीन हमें प्रोवाइड की है। एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में हमारी चार मशीनें हैं, दो श्रेडर मशीन्स और दो बेलिंग मशीन। इनका काम ये होगा कि हमारा जितना प्लास्टिक पंचायतों से आ रहा है इसको हमने आगे प्रोसेस करना है। श्रेडर पर इसकी श्रेडिंग होगी और बेलिंग पर प्लास्टिक के हम बेल बना के इसके आगे हम फॉरवर्ड लिंकेज एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे PMGSY डिपार्टमेंट के साथ, PW डिपार्टमेंट के साथ, उनके जो ये ब्लैक टॉपिंग ऑफ रोड होती है उनके साथ मिल के एक उनके साथ मेमोरेंडम हम साइन करेंगे जिसमें हम आगे फॉरवर्ड लिंकेज एस्टेब्लिश करेंगे। हुकूमत ने एक मुहिम क्लीन एंड ग्रीन पंचायत यानी साफ व सरसब्ज पंचायत शुरू की है। इस मुहिम के तहत राजौरी की सभी पंचायतों में कचरे को साइंसी बुनियादों पर जाया किया जाता है। सरपंच बतौनी हरमीत सिंह ने कहा कि इस इख्तराही इकदाम का मकसद प्लास्टिक के कचरे के चैलेंज से निमटने और गांव के अंदर रिसाइकलिंग को फरोग देना है। इसका ये फायदा है कि जितना भी प्लास्टिक की आइटम थी वो क्या होता था कि नदी नालों में बह के चले जाता था, उसके बाद ज़मीनों के अंदर चले जाता था। जब हम ज़मीन को बोना शुरू करते थे, बाई का काम शुरू करते थे, उसमें क्या होता ना तो पिघलता था या कहीं उसका पिघलने का नाम लेता था, जिसके कारण कई चीज़ों का नुकसान होता। माल मवेशी जितने भी थे वो क्या करते प्लास्टिक के आइटम को खाना शुरू कर देते करते थे। उसके बाद ये यूनिट लगने के बाद ये फ़ायदा हमें ये हो गया कि जितना भी यहाँ मेरे गांव की प्लास्टिक की आइटम्स हैं वो हमने क्या है महला बाद हमने क्या किया छोटे छोटे डंप किए हुए हैं। हफ्ते बाद या दस दिन के बाद एक आदमी जाता है वहाँ से कैरी करके ले आता है और यहाँ पे डंप करता है। सरकारी अहदेदारों ने कहा कि कचरे की प्रोसेसिंग से हासिल होने वाली आमदनी पंचायत के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि ये एक सरहदी इलाका होने की वजह से यहाँ अब फुजले की रिसाइकल हो रही है जबकि पहले लोग इसे खुले आम फेंक देते थे। उन्होंने कहा कि इससे मकामी लोगों को फायदा पहुँचेगा और ये माहौल को साफ सुथरा और दोस्ताना बनाएगा।
तो ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई भी स्कीम नहीं थी जो कि ग्रास रूट लेवल पर इतना वर्क कर सके। तो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ए काइंड इनिशिएटिव जिसने इतना प्रोवाइड किया है कि पंचायत में अगर एक घर भी है तो उसको भी हमने नहीं छोड़ना है, वहाँ से भी कोई अगर वेस्ट कलेक्ट होता है तो उनको भी हमने एम्पावर करना है, वहाँ से डस्टबिन उनको देना है, उनसे एक मिनिमल फ़ी हमने रखी है वो कलेक्ट करनी है और फिर उसको हमने फर्दर जो पंचायत का फंड है उसमें हमने उसको देना है और उसके हिसाब से हमें जो ग्राम सभा होती है उसके रेजोल्यूशन से हम उसको फिर स्पेंड करते हैं अमाउंट को। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी में ये पहली मशीन है जो एक पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर गांव में नस्ब की गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मरहला दोम के तहत जिला इंतजामिया राजौरी ने आलूदगी को कम से कम करने के लिए कचरे को जमा करने और साइंसी बुनियादों पर जाया करने की मुहिम शुरू की है। सरहदी जिला कुपवाड़ा में फौज ने नौजवानों को बाइख्तियार और हुनरमंद बनाने के मकसद के तहत स्मार्टफोन फिल्म साजी का कोर्स का अहतमाम किया। इस सिलसिले में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के माहिरीन की खिदमत भी हासिल की गई। इस कोर्स में फिल्म साजी के मुख्तलिफ पहलुओं का भी इहाता किया गया। आइए इस सिलसिले में पेश करते हैं आपके लिए यह खास रिपोर्ट। फौज ने हाल ही में शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के तावुन से 5 रोजा स्मार्टफोन फिल्म साजी कोर्स का इनाकाद किया। इस स्मार्टफोन फिल्म साजी कोर्स का बुनियादी मकसद कश्मीरी नौजवानों में तख्लीकी सलाहियतों और हुनर की नशोनुमा को फरोग देना है। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और ये कि मोबाइल फोन्स का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हम अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जब हम देख रहे हैं कि डिजिटल दौर है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसके लिए हमें मतलब यहाँ पे सिखाया गया और FTII से जो उनके फैकल्टी या सर हैं वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमें सिखाया, तो इसके लिए हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और ख़ासतौर से आर्मी का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह का कोर्स या वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे हमें वोकेशनल जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है द्रुगमुला में वो यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया वर्कशॉप और यहाँ पे हमने सीखा और बहुत अच्छा सीखा। एक ओहदेदार ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में बसरी कहानी सुनाने की ताकत को तस्लीम करते हुए हिंदुस्तानी फौज कश्मीर के नौजवानों को काबिल कदर महारतों के साथ बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़म है जो न सिर्फ इनकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाती है बल्कि मौके के नए दरवाजे भी खोलती है। जो ये वर्कशॉप आज यहाँ पे हुआ तो पहले भी हम काम करते थे, तो अलबत्ता इस लेवल पे जहाँ पे हमने ये सीखा FTII ने हमें जहाँ पे सिखाया, आर्मी का इनिशिएटिव था, FTII का इनिशिएटिव था, कुल मिला के हमें ये देखने को मिला कि एक सोसाइटी में जितने भी इश्यूज होते हैं हम इनको किस तरह से फिल्म में दर्शाएंगे और वो हमें यहाँ पर मौका मिला कि ये सीखने का। इस कोर्स में फिल्म साजी के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया गया जिनमें स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन तकनीक शामिल है। ये सब कुछ स्मार्टफोन्स की मदद से मुमकिन है। ये कोर्स FTII के तजुर्बे का पेशावर अफराद और सरपरस्तों के जरिए मुनाकिद किया गया था। देखिए बुनियादी बात तो ये थी कि एक क्रिएटिविटी को एक एक्सप्रेशन देना, एक 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 जरिया जिससे जो अंदर उनके क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालें। अब यहाँ पे ये था कि फिल्म मेकिंग के ऊपर ये वर्कशॉप था और फिल्म मेकिंग के जो बेसिक उसूल हैं, क्या 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 चीज़ें होती हैं, विजुअल्स की लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज होती है, इन सब का क्या इस्तेमाल होता है, फिल्मों के अंदर किस तरह का इस्तेमाल होता है और उन्हीं चीज़ों को हम अपने इस जरिए से हम कैसे आगे बढ़ाएं। हमारे पास सबके पास मिसाल के तौर पे स्मार्टफोन तो रहता ही है, कैमरे भी रहते हैं, तो उन्हीं चीज को हम आगे कैसे बढ़ाएं। हिंदुस्तानी फौज तालीम की तब्दीली की ताकत पर यकीन रखती है और उम्मीद करती है कि इस इकदाम से कश्मीरी नौजवानों की मजमूई तरक्की में मदद मिलेगी। नाजरीन इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।